यश, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो किड्स, आज अपन पढ़ेंगे भाषा सेतु का पार्ट 23। ओके, पार्ट 23 पढ़ेंगे आज। आप लोगों को ये मैम पढ़ाएगी। ये क्या नाम? पार्ट 23। ये जो पार्ट है आपकी बुक में, ये है बेटा अह। ओके, देखिए इसमें मैम आपको बताएगी, इसमें दो बिंदु होती है। पहले तो मैम आपको ये बताएगी कि देखिए इसका जो साउंड होता है वो कैसा आता है। हा, इसका साउंड आता है हा। ओके, इसका साउंड कैसे आता है? हा आता है, और ये अक्षर के आगे लगाया जाता है। अक्षर के आगे इस तरीके से टू डॉट्स होती हैं, जैसे तह, पह, मह। ओके, ये इस तरीके से इसका साउंड आता है। इसका साउंड आता है ह और तह, पह, मह, ऐसे इसको बोला जाता है। ओके, आप देखिए इससे कुछ शब्द आपकी बुक में दिए हैं, जैसे कि छ, ह, छह, नमः, तपः और प्रातः। ओके, ये आपकी बुक में कुछ वर्ड दिए हैं। इन वर्ड्स को मैं बुक अकाउंट यहाँ पे बैक रोड में लिख रही हूँ। देखिए पहला वर्ड दिया है आपकी बुक में छह, दूसरा दिया है तपः, तपः। ये इस तरीके से देखिए शब्द के आगे की तरफ लगाया जाता है, इसका उच्चारण होता है ह। और बेटा ये ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज होती है, संस्कृत भाषा होती है, उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आप बड़ी क्लास में 6-7 में पहुँच जाएंगे और संस्कृत पढ़ेंगे, तब आप इसका ज़्यादा संस्कृत में उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इस तरीके से इसमें शब्द लिखे जाते हैं, छह, तपः, और मैडम कुछ शब्द लिख रही है आपकी बुक में दिए हैं, जैसे कि प्रातः, फॉरवर्ड है नमः, फिफ्थ वर्ड में अपनी तरफ से लिख रही हूँ। कुछ भी कोई से भी वर्ड होते हैं उनमें हा का ही साउंड आएगा। कुछ वर्ड जो इतने वर्ड आपकी बुक में दिए हैं, कुछ आपकी बुक में नहीं दिए हैं, वो वर्ड मैं लिख रही हूँ, जैसे कि वी शेषतः, विशेषतः, विशेषतः। सिक्स, नीहि, क्योंकि निहि ह का साउंड है, निहि, शुल्क, निहि शुल्क, निहि शुल्क। ओके, इसके बाद सेवेंथ वर्ड है स्वतः, स्वतः, स्वतः आया ह का साउंड, स्वतः। एक मैम ने लिखा निशुल्क, लिखा निशब्द, नि शब्द। नाइन्थ वर्ड है संभवता, संभवता। तो बच्चों इस तरीके से इसमें कुछ शब्द बनते हैं। इस ये जैसे मैंने आपको बताया ऐसे इसमें शब्द रहेंगे, और ये इसका साउंड कैसे आता है? इसका साउंड हा का आता है। कौन सा? उच्चारण का हा है, दो बिंदु की तरह ही लगाया जाता है। ओके, संस्कृत लैंग्वेज में ज़्यादा इसका यूज होता है। ओके, और इसके अलावा ये सारे शब्द बनते हैं, और भी इसके अलावा कई सारे शब्द बन सकते हैं। अब जैसे छह हुआ, नंबर हुआ, तबहा यानी कि
कुछ तपस्या करना। देखिए पिक्चर भी दिया है आपके बुक में। ओके, नम प्रातः सुबह नमः विशेषतः निशुल्क स्वतः निशब्द संभवता। ओके, ये आपकी बुक में वर्ड्स दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को इतना क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, हाँ का इसका साउंड है। चलिए अब इसके बाद पढ़ो और लिखो, आपकी बुक में दिया हुआ है, पढ़ो और लिखो। आपको क्या करना है, नीचे प्रातः उठो, प्रातः उठ सॉरी, तो आपको क्या लिखना है, सेम एज इट इज इसको उतारना है, प्रातः उठ, पाठ पुनः पढ़, पाठ पुनः पढ़, छह बज गए, छह बज गए, आप साइड में लिखेंगे छह बज गए, दुख मत कर, दुख मत कर। ओके, तो बच्चों इसको आपको अच्छे से रीड करना है, ये शब्दों को करना है, और अपने माइंड में और भी शब्द सोचने हैं जिनको आप सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे, आप अपनी कॉपी में पार्ट 23 अहा और ये सारे 8 वर्ड्स आप अपनी कॉपी में 8 to 9 वर्ड्स अपनी कॉपी में आप लिखेंगे। ये आपका वर्क रहेगा, ये आपको ले लिखना है, ये 8 वर्ड हेडिंग डाल के आपको अपनी हिंदी फेयर कॉपी में ये वर्ड्स आप लिखेंगे। ओके, ये आपका वर्क है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैडम आपको 24 और 25 लेसन चैप्टर पार्ट पढ़ाएगी। ओके बेटा, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।